खरगोन में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस को लेकर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर सूर्य नमस्कार का मुख्य समारोह स्थानीय स्टेडियम मैदान में आयोजित किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह और खरगोन नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, एसडीएम ओम नारायण सिंह बड़कुल, नगरपालिका सीएमओ प्रियंका पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत वर्णेकर सहित हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी शामिल थे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन इंदौर से प्रसारण किया गया। खरगोन जिले में हजारों स्कूली बच्चों सहित आम जन ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। ठंड के मौसम के बावजूद शहर भर के स्कूली बच्चों ने सूर्य नमस्कार के सामूहिक आयोजन में शामिल हुए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। 11 हस्तोतन सन 12 प्रार्थना की मुद्रा, एक चक्र समाप्त हुआ। ये प्रक्रिया होती है, पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। तीन, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में, हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले, रीढ़ को लचीला बनाता है, आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी। विश्व संचालन आसन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में, श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन, दाहिने पैर। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर खरगोन शहर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 1500 बच्चे, सभी विभिन्न विद्यालयों के बच्चे थे, शासकीय विद्यालयों के और अशासकीय विद्यालयों के बच्चे थे। इसमें इसके साथ ही साथ सभी समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं हमारे गणमान्य अतिथि जो है वो सारे के सारे और सभी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में, खरगोन जिले के प्रत्येक विद्यालय में एवं विभिन्न संस्थाओं में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं हेमेंद्र बडनेर का, जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।